आपका जो बुक के अंदर लास्ट टॉपिक दिया हुआ है सेल डिविजन उसको. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स बहुत रहते हैं इस टॉपिक के अंदर कि मैम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है. तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. सो माई डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सेल डिविजन की अगर मैं बात करती हूँ, सेल डिविजन से आप क्या समझते हैं? सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है? क्या कर रही है? सेल डिवाइड कर रही है. अब जो सेल डिवाइड करती है वो करती क्यों है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं किसी सेल की और वो लेट्स से डिवाइड करके दो सेल बना रही है, तो वो ऐसा कुछ केसेस में करती है. या तो उसको करना हो ग्रो, ठीक है? मतलब देखो यार, आप खुद इमेजिन करो, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है? सेल है. अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने हुए हैं, ठीक है? यही सेल तो डिवाइड करी है, ग्रो करी है, तभी तो इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है? अब अगर मैं बात करती हूँ कि सेल डिवीजन क्यों होता है, तो या तो अगर सेल को ग्रो करना होगा उस केस में होगा, या तो होना होगा रिप्लेसमेंट. आपको पता है जितनी देर में मैं आपसे बात कर रही हूँ कितनी हजारों सेल हमारी बॉडी के अंदर मर गई होंगी, ठीक है? तो हमें डेड सेल्स को अगर रिपेयर करना है तो सेल डिवीजन की जरूरत है. विद दैट अगर आप ये भी बोल सकते हो कि किसी सेल के अंदर हो गई इंजरी, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है, तो भी भैया सेल डिवीजन होना जरूरी है. या फिर हमें बनाने हैं गैमेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अगर अपन को गैमेट बनाने हैं तो भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है. अब आप सोच रहे हो कि मैम गैमेट क्या होते हैं? होता क्या है ना, जब भी लेट्स से हम अपना एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, हमारा जब यू नो ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेल के थ्रू क्या बनता है? आपका स्पर्म बनता है, ठीक है? दैट इज योर मेल गैमेट. मतलब गैमेट से आप क्या समझते हो, वही जाके आगे फ्यूज करता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करती हूँ फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में क्या है? वो फीमेल के केस में ओवम है. अब यही स्पर्म, यही ओवम, या यही मेल गैमेट, यही फीमेल गैमेट आगे जाके कंबाइन करेगा और जाइगोट बनाता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ यू नो रिप्रोडक्शन. अब मैं ये क्यों बताया आपको यहाँ पे, मैंने इसलिए बताया कि सेल डिविजन क्यों जरूरी है. अगर हमको ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाना है तो भी सेल डिवीजन जरूरी है, ठीक है? अब बाकी की कथा तो बाद में है कि जाइगोट बना, फिर डिवीजन हुआ, यू नो ऑर्गेनिज्म बना, बट इनिशियली गैमेट तो बने, तो ये गैमेट बनाने के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए होता है. अब एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, सेल डिवीजन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल्स और मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. अब दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है. रिप्रोडक्टिव सेल तो समझ गए कौन कौन सी, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दीज आर योर रिप्रोडक्टिव सेल्स. अगर मैं बात करती हूँ सोमैटिक सेल की, तो वो सारी सेल्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स आर योर सोमैटिक सेल्स. बस इतना सा फर्क है. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होती हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है, यानी कि यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आगे जाके कंबाइन कर रहा है, जाइगोट बन रहा है. वो सारी सेल्स अदर देन योर रिप्रोडक्टिव सेल्स, दीज आर योर सोमैटिक सेल्स. हम बस इनका एक टर्म दे दिया कि वे सोमैटिक सेल होती है. अब मैंने आपको ये बता दिया सेल डिवीजन क्या होता है. सेल डिवाइड कर रही है, दैट इज योर सेल डिवीजन. अब या तो वो डिवाइड कर रही है क्योंकि उसको ग्रो करना है, या उसको किसी चीज का रिप्लेसमेंट करना है, या किसी सेल के अंदर इंजरी हो गई तो भैया सेल डिवाइड कर रही है, या फिर बनने हैं गैमेट तो सेल डिवाइड कर रही है. इतनी बात समझ में आ गई कि सेल डिवीजन क्यों चाहिए. अब जो सेल डिवीजन होता है ये होता है दो तरीके से. एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस. दोनों ही अलग अलग टर्म है. मैंने आपको ये बताया कि या तो सोमैटिक सेल्स है, ठीक है, इनके अंदर देखा जाता है सेल डिवीजन, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर देखा जाता है. अब पर्टिकुलरली जो सोमैटिक सेल्स है हमारी बॉडी की सारी सेल्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल की बॉडी में यानी कि अपार्ट फ्रॉम ओवम जितनी भी सेल है, ठीक है, वो सारी क्या है, सोमैटिक सेल है. तो जो माइटोसिस होता है ना वो ऐसी ही सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है? मेल्स के अंदर मेल गैमेट को छोड़कर जितनी सेल्स है सारी सेल्स सोमैटिक है. अब तो जो माइटोसिस होता है वो होता है आपका इन्हीं सोमैटिक सेल्स के अंदर. अगर पर्टिकुलरली मैं बात करती हूँ मियोसिस की, तो मियोसिस होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में. रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी, जब आपका स्पर्म या फिर ओवम बनना होगा, उस केस में क्या हो रहा होगा, मियोसिस हो रहा होगा. मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. अब अगर मैं बात कर रही हूँ एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाना चाहूंगी, फिर हम इसका यू नो डायग्रामेटिक वाले डिफरेंस पे जाएंगे. देखिए, जब भी कभी भी मेल गैमेट बन रहा है,
मैं क्लियर ही कर देती हूँ फिर अच्छे तरीके से समझाती हूँ। देखिए जब भी कभी भी मेल गैमेट बनता है, जैसे स्पर्म बनता है और लेट्स से इधर ओवम बनता है, सो दिस इज योर स्पर्म, दिस इज योर ओवम। कभी भी जो ये गैमेट बनते हैं ना, इनका जो क्रोमोजोम नंबर होता है, आप पूछोगे क्रोमोजोम क्या होता है, मैंने बताया था एक सेल होती है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड करती है तब क्रोमैटिन कंडेंस होके बनाता है क्रोमोजोम, जो कि इसका इस तरीके का अपन को दिखता है। ये क्या है, ये क्रोमोजोम है। इसी क्रोमोजोम के इस क्रोमैटिड पर भी, जो देखो ये तो क्रोमोजोम हो गया, ठीक है ये क्रोमोजोम हो गया, और इसका अगर मैं एक पार्ट ले लूं तो एक को हम बोलते हैं क्रोमैटिड, बस इतना फर्क है, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं दो इस तरीके से होकर, तो दैट इज एक्चुअली अ क्रोमोजोम, पर हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड भी बोलते हैं। देखो एक है, वन, ओनली वन स्ट्रैंड इज योर क्रोमैटिड, इतनी बात समझ में आ गई, ये क्रोमैटिड है। दो अपन ने अगर हम दोनों कंबाइन करके बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि इसके पास इसकी एक सिस्टर है जो कि इसकी तरह दिखती है, ठीक है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गए या क्रोमोसोम हो गए। हर क्रोमैटिड के पास एक डीएनए होगा, एक नहीं बहुत सारे होंगे आइडियली, तो बहुत सारे डीएनए क्या होंगे इस क्रोमैटिड पे प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर विजुलाइज करूं, सो दिस इज आवर डीएनए। डीएनए के पास क्या है, कुछ फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं जीन्स, यही जीन्स कैरेक्टर्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। अब जब भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर गैमेट बनते हैं, तो जो ये क्रोमोसोम का नंबर होता है या हाफ हो जाता है। आइडियली अगर मैं किसी भी सेल की बात करूं, ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल है, वो कैसी होती, 23 पेयर्स, यानी कि कितने क्रोमोसोम होंगे उसके पास, उसके पास होंगे 46 क्रोमोसोम। मगर जब भी कभी रिप्रोडक्टिव सेल बनती है ना, तो ये क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, यानी कि मेल्स के अंदर जब स्पर्म बनेगा तो आइडियली होंगे 46, मगर स्पर्म के केस में कितने हो जाएंगे, 23। ऐसे ओवम के लिए पेरेंट सेल पे होंगे 46, मगर जब ओवम बनेगा उसके अंदर हो जाएंगे 23। अब जो ये 23 क्रोमोसोम है, ये फर्दर कंबाइन करते हैं और जाइगोट के अंदर ये चीज दोबारा 46 बन जाती है। अब तुमको ये समझ में आया कि मियोसिस के अंदर ये हाफ क्यों हो रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल जो फ्यूजन हुआ है दोनों गैमेट का, उसके बाद जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर था वो रिस्टोर हो ही नहीं पाता, इसलिए 46 होता है हाफ, ठीक है। तो जो ये हाफ हो रहा है ना, ये हो रहा है केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर अपना सेम है, पेरेंट सेल के पास 46 है, यानी कि आप ये समझ लो एक सेल है उसके पास 46 है, इससे जो दो सेल बन रही है उसके पास भी 46 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर जहां रिप्रोडक्टिव सेल बन वहां हो जाएगा मियोसिस, मतलब मेल्स के अंदर स्पर्म बन रहे भैया 23 हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, ओवम बन रहा है तो भैया उसके अंदर भी 23 है। क्यों 23 है, ताकि जब फ्यूजन हो, फ्यूजन के बाद जब जायगोट बने, ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज रिस्टोर हो जाए, मतलब उसके पास जैसे उसके पेरेंट के पास 46 है उसके पास भी रहे। अब तुम आ जाओ किस पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज, डायग्रामेटिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि इसको कैसे समझे। चलो पहला वाला जो ये डायग्राम है, ये है आपका माइटोसिस का डायग्राम। अभी तक मैंने क्या समझाया है, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, रिप्रोडक्टिव में नहीं होता है, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मैं तुमको बता चुकी हूँ। अब जरा डायग्रामेटिकली देखो, ये है आपकी पेरेंट सेल, ठीक है, इसी से मतलब डिवीजन स्टार्ट हुआ है। ये जो ब्लू और ग्रीन अंदर दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का ये एक, ठीक है, और ये ग्रीन कलर का सा एक ये लहराता हुआ, ये क्या है, ये आपके हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या, ये अपने जैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता एक और स्ट्रैंड बना देगा। अब देख रहे हो यहाँ पे ये दो ब्लू, यहाँ पे एक था, यहाँ दो हो गए, ग्रीन यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हो गए, ठीक है, बात समझ में आई। इतने विस्तार में आपको और अच्छी तरीके से 11th में पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपके लिए जितना नीडेड है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि डायग्राम गिवन है बुक के अंदर, बच्चे होते हैं कंफ्यूज। सबसे पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद करती है सेल डिवाइड, ठीक है, मतलब एक सेल से दो सेल बन रही है। अब आप देखो यहाँ पे भी माइटोसिस के अंदर क्या बन गई, दो सेल बन गई। मगर जो पॉइंट नोट करना है वो ये नोट करना है कि यहाँ पेरेंट सेल के पास ब्लू और ग्रीन था, यहाँ पे भी पेरेंट सेल के पास ब्लू और ग्रीन है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहे हैं, हाफ नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास होगा लेट्स से 46, तो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल बन गए इनके पास भी क्या है आपका 46 और 46। ये है आपका माइटोसिस के अंदर, इट इज नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर सेम। क्रोमोसोम क्या होते हैं,
क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनने, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसी का ही खेल होता है सेल डिवीजन के अंदर। तो जब सेल डिवाइड कर रही होती है, यही डुप्लीकेट करते हैं, यही डिवाइड करते हैं, और ये डॉटर सेल में जाते हैं, और ये क्रोमोसोम जो डिवाइड कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर तो डीएनए है जो जीन्स को लेके जा रहा है, जो कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे, सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होंगे। वो खैर मैं रिप्रोडक्टिव जो मियोसिस था उसके टर्म्स में बता रही थी। यहाँ पता ध्यान रखो कि ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का ये इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, और डॉटर सेल कितनी बनेंगी, दो बनेंगी। इसके केस में सिंपल है, एक सेल है, दो में डिवाइड करेगी, क्रोमोसोम सेम है, एज सिंपल एज दैट। फर्क आता है कहां, मियोसिस के अंदर। ये जो दूसरा वाला डायग्राम देख रहे हो ना, ये है आपका मियोसिस का। मियोसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो सही है भैया, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ये क्या है, यहाँ पे दिस इज योर मदर सेल, ठीक है, यहाँ पे अगेन दिस इज योर मदर सेल। अब मदर सेल के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए कर रहा है रेप्लीकेट, देख रहे हो, एक वाइट है एक वाइट है, एक रेड है, यहाँ पे दो वाइट बन गए, दो रेड बन गए, ठीक है। इसी की तरीके से यहाँ पे भी होगा सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करेगी। मगर फर्क कहाँ आता है ना बच्चों, फर्क ये आता है कि पहली बात तो इस केस में जो सेल डिवीजन होता है, इसमें बनती है आपकी चार डॉटर सेल, ठीक है, फर्क समझ लो पहले। दूसरा क्या है, हर डॉटर सेल के पास देख रहे हो केवल एक ही क्रोमैटिड जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है, क्योंकि जो आपके क्रोमोसोम नंबर है वो हो गए हैं इस केस में हाफ। यहाँ है फर्क, तो दैट मींस मियोसिस के अंदर चार डॉटर सेल बन रही हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जा रहे हैं। होता क्या भैया, सेल डीएनए डुप्लीकेट करता है, फिर वही सेल डिवीजन का बड़ा सा मैकेनिज्म है, वो आप 11th में पढ़ोगे, होता है। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, जो चार डॉटर सेल बनी, इनिशियली क्या होता है ना, इनिशियली आपकी दो बनी, ठीक है, इनिशियली दो बनी, और दो के अंदर क्या चले गए, क्रोमोसोम चले गए, बट दो फिर डिवाइड करती है, चार बन जाती है, ठीक है। अब जब ये चार बनती है, तो वो जो दो बनी थी इनिशियली, इससे पहले वाली, वो एक एक अपना क्रोमैटिड चारों को दे देती है, ठीक है। तो ऐसा सेल डिवीजन कहाँ देखा जाता है, मियोसिस के अंदर देखा जाता है। ये पर्टिकुलरली आपका किसमें होता है, ये होता है आपका किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि अगर स्पर्म बन रहा है, अगर ओवम बन रहा है, तो इस तरीके का सेल डिवीजन वहां देखा जाता है। और सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया होगा, अगर ये क्रोमोसोम हाफ नहीं होते तो क्या होता, तो क्या जब जाइगोट बनता वो चीज रिस्टोर हो पाती, नहीं, वो नहीं हो पाती। इसलिए इसका हाफ होना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी मियोसिस और माइटोसिस में। डायग्राम जो दे रखा है बुक में उसमें कंफ्यूज मत होना, वो केवल ना उन्होंने पेरेंट सेल मदर सेल नहीं दिखाई है, बस यहाँ से स्टार्ट कर दिया है मियोसिस वाले के अंदर। आप चाहो तो उसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो, इतना ही डायग्राम सेल सफिशियंट है, इतना ईजी बना के भी आ सकते हो, ठीक है। पूरा प्रोसेस मत दिखाना भैया सेल डिवीजन का, है ना, डायरेक्ट इधर से इधर दिखा देना, यानी कि इतना बना देना और इतना बना देना, तो भी जो तुम्हारा टीचर है समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या चीज, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। अब एक चीज और है जो है इसके डिफरेंसेस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अब आते हैं डिफरेंसेस माइटोसिस और मियोसिस के, एक एक लाइन में पढ़ती जाती हूँ, समझा मैं आपको सब कुछ गई, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, दोनों ही सेल डिवीजन है भैया, जिसमें क्या हो रहा है, आपकी जो सेल डिवाइड करती है मेनली ग्रोथ के लिए। आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन ऑल टाइम चालू है, ठीक है, कितनी हजारों सेल मर रही हैं, कितनी हजारों सेल बन रही हैं, या तो सेल को करना है ग्रोथ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भैया किसी इंजरी के केस में भी ये चीज होगी, ठीक है। तो ये तो तब होता है, मगर मियोसिस इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस पर्टिकुलरली इन द रिप्रोडक्टिव सेल। आपका ओवम बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, उनके अंदर हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स जीन्स आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इजी। अगर मैं बात करती हूँ माइटोसिस की, तो माइटोसिस में कितनी सेल बनी थी, दो, और दो एकदम आइडेंटिकल थी पेरेंट के साथ। देखो एक बार दोबारा से वाला डायग्राम, यह है एकदम आइडेंटिकल इसकी तरह, है ना, देखो इसमें इसमें कोई फर्क देखने को मिल रहा है। तो जहां पे माइटोसिस के अंदर देखो, अगर मैं आपको, अब आप पूछोगे यार मैम ऐसा क्यों हुआ, माइटोसिस के अंदर तो सेम बनी और मियोसिस के अंदर नहीं बनती, मियोसिस के अंदर अलग बनती है, मियोसिस के अंदर तो देखो ना यहाँ पे एक रेड है, पर यहाँ पे तो दो रेड थे पेरेंट सेल के अंदर, अगर अपन देखे तो, सॉरी एक रेड था एक वाइट था। तो होता क्या है ना, एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर वगैरह का, वो आप ना 11th में पढ़ोगे। होता क्या है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, उसके दौरान कुछ ना क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, उसके एक क्रोमैटिड का पार्ट दूसरे में चले जाता है, दूसरे क्रोमैटिड का पार्ट पहले वाले में चले जाता है, तो एक क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म होता है। खैर रिजल्ट यही होता है कि जो आपकी डॉटर सेल्स बन रही है, आपके पेरेंट सेल की तरह सेम नहीं होती है, ठीक है। अब आप एक बार दोबारा आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया भैया रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और
आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, तो इसी के थ्रू तो आपके कैरेक्टर जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। चार सेल्स बनती हैं इसके अंदर, किसके अंदर? मियोसिस के अंदर। वो अपन देख चुके हैं कि चार बन रही है, और चार इसलिए ही बनी है ताकि क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ हो जा रहा है वहां पे, और वो चीज रिस्टोर हो जाए जाइगोट के अंदर। ठीक है, जाइगोट मतलब वो फ्यूजन के बाद जो बनता है। अब वही यू नो वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जो डॉटर सेल बनेगी उनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा जितना पेरेंट का है उसके थ्रू, मगर मियोसिस में जो नई सेल्स बन रही है उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है रोल पे। अगर मैं बात करूं माइटोसिस का रोल, तो वो ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है, मगर अगर मैं बात करूं किसकी, मियोसिस के रोल की, तो ये पर्टिकुलरली हेल्प कर रहा है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। तो भैया जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन इजी करके मैं दे सकती थी मैंने दे दिया, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार बस वीडियो एंड करने से पहले फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सेल डिवीजन क्या होता है भैया? सेल डिवाइड करे, दैट इज योर सेल डिवीजन। पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। नई सेल्स क्यों बनती है? या तो उनको ग्रो करना है, या उन्हें डैमेज सेल को रिप्लेस करना है, या फिर इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना है, या उन्हें सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाना है। दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों हमने डायग्रामेटिकली देखा। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि भैया आइडियली पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, मगर कभी भी अगर रिप्रोडक्टिव सेल बनता है तो वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मगर अगर यही डिवीजन अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहा है, दैट इज सोमैटिक सेल मतलब क्या, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सारी सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं, नाम है उनका। ठीक है, आप समझ लो। तो जो सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहा है तो क्या है भैया, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होता है उसके केस में। जो सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन देखा जाता है वो माइटोसिस के अंदर देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव वाला आपका मियोसिस के अंदर देखा जाता है। अब हमने डायग्रामेटिकली भी ये चीज देख ली भैया, पहला वाला अपन ने देखा माइटोसिस और दूसरा वाला देखा अपन ने मियोसिस। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर क्या होता है भैया, डीएनए डिवाइड करता है। ये सारे स्टेप एक एक करके आप 11th में पढ़ोगे, बट जितना आपके लिए रिलेवेंट है मैं वो पढ़ा दे रही हूँ। तो दो डॉटर सेल बन जाती है। बट मियोसिस में क्या होता है ना बच्चों, सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ये सब विजुलाइज इमेजिन, अच्छा एक सेल है, मियोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम है अंदर, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब डीएनए अपने जैसे एक और कॉपी बनाता है मियोसिस के अंदर। अच्छा फिर क्या होता है, फिर सेल डिवीजन होता चालू होता है, बहुत सारे प्रोसेस है मैम, वो 11th में बताएंगी। बट मियोसिस के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो डॉटर सेल बनती है वो आपके पेरेंट की तरह सिमिलर नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। विद दैट ऑफ मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं, बस ये जो दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं ना तुमको, लेट्स से एक ही क्रोमोसोम ये है, मैं हल्का सा बताई देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, अब जिक्र कर दिया तो, और एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये जो एक स्ट्रैंड इसका येलो वाला और एक स्ट्रैंड वाला इधर वाला ब्लू वाला, ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करेंगे तो होगा क्या, येलो वाले के पास कुछ पार्ट आ जाएगा तुम्हारा ब्लू वाले का, और जो ब्लू वाला है उसके पास कुछ पार्ट आ जाएगा तुम्हारा येलो वाले का, ये होता है तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर देखा जाता है, एंड एज अ रिजल्ट जो तुम्हारी डॉटर सेल बनी क्रोमोसोम नंबर भी हाफ है और पेरेंट सेल की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और मेजर आ गया फिर अपना डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया है कि भैया क्या होता है, कहाँ कहाँ देखा जाता है, कितनी डॉटर सेल्स इसके अंदर बनती है। सो इसी के साथ हमारा माइटोसिस मियोसिस खत्म होता है। जो भी इंटरनल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सारे चैप्टर के अलग अलग मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, जितना आसान तरीके से मैं समझा सकती थी मैंने समझाया है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।